नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम पढ़ेंगे विश्वचरितम् का 22वां चैप्टर, ये तृतीय वर्ष दंडीकृत विश्वचरितम् की हमारी श्रृंखला में आज 22वां व्याख्यान है। हम देखते हैं कि चंद्रपलित जो अश्मक देश के राजा वसंत भानु के अमात्य इंद्रपालित का पुत्र था, उसने राजा के कुमार सेवक विहार भद्र से मित्रता करके उसके दुर्गुणों का व्यवस्थापन करके, इंतज़ाम करके, उसने राजा से करीबी बना ली और राजा अनंत वर्मा का विश्वास पात्र बन गया। उसके बाद राजा जब भी जिस भी दुर्गुण को अपनाना चाहता, उसकी प्रवृत्ति बनती ये उस दुर्गुण के गुणों को दिखलाकर, उसकी प्रशंसा करके उसको लगातार निरंतर कुमार्ग में प्रेरित करता रहता। अब जब उसने समस्त 7 महादुर्व्यसनों में गुण दिखला दिए, अर्थात उसे कुमार्ग में प्रेरित करने का सारा प्रबंध कर दिया, तो अब हम देखते हैं कि उसके दुष्परिणाम भी आने लगे। देखें, असावपि गुरुपदेशम इव त्यादरेण तस्य मतम अनवर्तत। असावपि असौ अपि, इसने भी गुरुपदेशम इव, गुरु के उपदेश की भांति, अत्यादरेण अत्यंत आदर के साथ, अत्यंत सम्मान के साथ, तस्य मतम अनवर्तत, उसके मत का अनुसरण करना शुरू कर दिया। जैसे कोई गुरु के आदेश का, गुरु के सलाह का बड़े सम्मान के साथ अनुसरण करने लग जाए, इसी प्रकार से उस राजा ने, अनंत वर्मा ने, चंद्रपलित के उपदेशों को गुरु के उपदेश की भांति समझ करके बेहद आदर के साथ, अत्यंत सम्मान के साथ उसके मतों का अनुसरण करना शुरू कर दिया, अर्थात उसके कहे अनुसार चलने लगा। तत्शीलानुसारिण्यश्च प्रकृतयो विश्रृंखलम असेवंत व्यसनानि। जब राजा भ्रष्ट हो जाएगा तो प्रजा भी भ्रष्ट होंगी। तत्शीलानुसारिण्यश्च, उसके शील का अनुसरण करने वाली, शील यानी चरित्र, आचरण, शील कहते हैं, लज्जा कहते हैं, संस्कार कहते हैं। हमारी परंपरा में कहा गया है, अलज्जा मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। मातृपक्ष में अगर दोष होगा तो व्यक्ति के जीन्स में अलज्जा यानी संस्कारहीनता आएगी, और अगर पितृपक्ष में दोष होगा तो व्यक्ति के जीनोम में मूर्खता आएगी, विद्वान नहीं बन सकेगा। हम रावण का उदाहरण देख सकते हैं। रावण इतने विद्वान ऋषि, सप्तर्षियों में जिनकी गणना होती है, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्वश्रवा नामक ऋषि का पुत्र था, लेकिन उसकी माँ कैकशी राक्षसी थी, तो उसमें पिता के जीन से तो विद्वत्ता आई, लेकिन माँ के जीन से कुसंस्कार आए, अलज्जा आई। तो कई दफ़े मूल कारण तो अलज्जा के मातृपक्ष में है, लेकिन संगति का भी असर होता है, समय का भी असर होता है। कैसी भी फसल हो, जमीन और मिट्टी और जलवायु उस पर फर्क डालती ही है। जो सेब शिमला, जम्मू और शीत प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में होते हैं, उन्हें यहाँ राजस्थान में बोया जाए तो अपनी वो साइज़ और अपनी वो मिठास नहीं ला सकेंगे, भले वो उन्हीं के वंशज हों, उन्हीं का बीज हों। ये राजा के साथ हम देख रहे हैं। तत्शीलानुसारिण्यश्च, उसके शील का, चरित्र का अनुसरण करने वाली,
प्रकृतयः प्रकृतय अर्थात प्रजाएं विश्रृंखलम असेवंत व्यसनानी, व्यसनों का विश्रृंखल यानी उच्छृंखल तरीके से व्यसनों अर्थात दुर्व्यसनों का असेवंत सेवन करने लगी। सारी प्रजा भी भ्रष्ट हो गई राजा के अनुसरण में। सर्वश्च समान दोषतया न कस्यचित् छिद्रान्वेषणाय अयतिष्ट, सभी तो एक जैसे दोष वाले हो गए, सारे भ्रष्ट हो गए, सबका चरित्र गिर गया, तो कौन किसको दोषी ठहराए, कौन किसका छिद्रान्वेषण करे, कौन किसके चरित्र में कमी दिखलाए। तो कोई किसी का छिद्रान्वेषण करने की स्थिति में नहीं रहा क्योंकि सभी समान दोष युक्त हो गए। समान भर्ति प्रकृतयस्तंत्राध्यक्षा स्वानि कर्म फलान्य भक्षयन। अब जब स्वामी ही भ्रष्ट होगा तो तंत्राध्यक्ष ये विभागाध्यक्ष या जो अधिकारी हैं वो भी भ्रष्ट हो गए और उन्होंने अपने कर्म फलों को खाना शुरू कर दिया। स्वानि कर्म फलानि अभक्षयन, अपने कर्म फलों को खाने का अभिप्राय है उनको ड्यूटी से, सरकारी ड्यूटी से जो राजकीय आय होती थी उस राजकीय आय को राजकीय आय न बना करके व्यक्तिगत आय बनाना शुरू कर दिया, अर्थात आर्थिक भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। तो अब प्रजा के राज्य के आय के स्रोत बंद हो जाएंगे क्योंकि विभागाध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष घूस इत्यादि लेकर काम करने लग गए और राज्य के खजाने में कुछ नहीं जमा हो रहा है। ततः क्रमाद आयत द्वाराणि वैशीर्यंत, क्रम से धीरे धीरे करके चीज़ें बर्बाद होती हैं। हमारी परंपरा में कहा गया है कि जाकहुँ प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हरिलीन्हा, जिसको भगवान बहुत ज़्यादा दुख देना चाहते हैं पहले उसकी बुद्धि छीन लेते हैं। तो इसकी बुद्धि छीन ली ईश्वर ने। आप देखें गायत्री मंत्र में हमारे यहाँ जो प्रार्थना की गई है वो यही की गई है कि हे प्रभु धियो मह धियो यह प्रचोदयात, हमारी धियो यानी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अगर बुद्धि सन्मार्ग में होगी तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी और अगर बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सब चीज़ें एक एक करके भ्रष्ट हो जाएंगी। कहते हैं कि जिसका एक बार पतन होता है उसका 100 बार पतन होता है। तो ततः क्रमाद आय द्वाराणि वैशीर्यंत, तब इस क्रम से आय के द्वार जो थे, आय के जो सोर्स थे, इनकम के जो सोर्स थे राज्य की आय के, वो वैशीर्यंत नष्ट होने लगे, सिकुड़ने लगे और व्ययमुखानि व्यय के सोर्स बढ़ने लगे। आय कम हो गई, आय खत्म होने लगी और व्यय बढ़ने लगा। व्यय कैसे बढ़ने लगा, व्ययमुखानि विट वैधेयतया विभोह अह अह व्यवर्धन्त, अह अह यानी दिन प्रतिदिन व्यवर्धन्त बढ़ने लगा। क्या विभोह, विभू यानी संपत्ति, विट वैधेयतया विटों और वैधेयों के माध्यम से, विट अर्थात दुष्चरित्र और वैधेय यानी कुमारगामी, इनकी सलाह के अनुसार चलने से प्रतिदिन राजा का व्यय बढ़ने लगा, यानी राजा कुमारगामी हो गया, वेश्यागमन इत्यादि करने लगा, मद्यपान इत्यादि करने लगा, तो उसका व्यय निरंतर बढ़ता चला गया। सामंत पौर जानपद मुख्याश्च समानशीलतयो उपारूढ़ विश्रम्भेण, अब इस चंद्रपालित ने क्या किया कि जो थोड़े बहुत भी विरोध करने की स्थिति में हो उन सबको भी, सभी सामंतों को, पूर्व यानी नगर के और जानपद यानी प्रदेश के मुखियाओं को भी बुलवाया। समानशीलतया वो सभी भ्रष्टाचरण में लिप्त हो गए, तो उन सब के कारण समानशीलतया उपारूढ़ विश्रम्भेण वो सब भी विश्वास करने लग गए थे इसका। जो जो व्यसनी लोग होते हैं उनमें मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है, तो सब साथ बैठ करके पीने खाने लगे तो एक दूसरे का विश्वास, उन सबका विश्वास हासिल कर लिया और उन सबको राज्ञा राजा के द्वारा सजानयः, कहीं कहीं पाठ भेद है सजाया, बात एक ही है, उन सबको राजा के माध्यम से सपत्नीक पान गोष्ठीषु अभ्यंतरी कृता, पान गोष्ठियों में अर्थात
मदिरा पार्टियों में, शराब पार्टियों में, दारू पार्टी में सपत्नीक बुला करके अभ्यंतरीकृता उनको भीतर करके अर्थात पार्टियों में बुलवा करके स्वम स्वम आचरम अत्याचारिषु, अपने अपने आचरण का सब अतिचार करने लगे अर्थात अपने अपने आचरण यानी चरित्र का उल्लंघन करने लग गए अर्थात परस्पर एक दूसरे की स्त्रियों के साथ संभोग करने लग गए। उन सबकी स्त्रियों के साथ भी इसने भी संभोग किया, राजा ने भी किया और इस तरह से प्रजा का, समस्त जनपद प्रमुखों का, राज नगर प्रमुखों का, प्रदेश प्रमुखों का सबका आचरण पतित होता चला गया और राज्य बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ। इसके बाद इसी क्रम में और क्या क्या नुकसान होते हैं प्रजा के, राज्य के, किस तरह से लूट मार मचती है और किस तरह से चरित्र भ्रष्ट होता है प्रजा का आचरण, उसके और क्या रिजल्ट्स होते हैं हम आगे के व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।